गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम LLB सेकेंड ईयर की जो पुरानी क्लास चल रही है जुरिस्प्रूडेंस के बारे में उसके आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एनालिटिकल स्कूल के बारे में पढ़ा था, विश्लेषणात्मक स्कूल, और इसके अंतर्गत दो जुरिस पढ़े थे हमने एनालिटिकल स्कूल के अंतर्गत, जॉन ऑस्टिन और कैरसन। दोनों की विचारधारा को पढ़ा, उन दोनों के सिद्धांत क्या दिए गए हमको हमने देखा। अब हम बात करें एनालिटिकल स्कूल से आगे कौन से स्कूल आई, किसने अपने विधि के बारे में अपने विचार बताए, उसके बारे में बात करेंगे। आज हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा। ऐतिहासिक विचारधारा क्या है, किस कारण से ऐतिहासिक विचारधारा आई, विधि के प्रति इसका क्या दृष्टिकोण रहा, विधि शास्त्र को यह क्या बताता है, विधि कैसे विकसित होनी चाहिए, क्या क्रम होना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं हिस्टोरिकल स्कूल यानी कि ऐतिहासिक स्कूल। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या कोई भी लर्न करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि किसी चीज़ का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी तब इसको कारण बना कि यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि ऐसी विचारधारा आई जाए। तो ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में भी मान सकते हैं कि ऐतिहासिक विचारधारा का जो जन्म है वह किसके कारण हुआ है, नेचुरल लॉ जो थ्योरी है उसकी प्रतिक्रिया के हुआ है। एनालिटिकल स्कूल में भी अपने यही पढ़ा था कि एनालिटिकल स्कूल का विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रादुर्भाव किस कारण से हुआ है, प्राकृतिक विधि की प्रतिक्रिया के स्वरूप इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसका ओरिजिन हुआ है। वैसे कि वैसे एनालिटिकल जो हिस्टोरिकल स्कूल से इसका प्रादुर्भाव यह किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है, नेचुरल लॉ की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ है। यदि हम ऐतिहासिक विचारधारा की बात करेंगे सबसे पहले तो ऐतिहासिक विचारधारा को देखिए नेचुरल लॉ की प्रतिक्रिया स्वरूप है। एनालिटिकल स्कूल के क्या है कि समकालीन है यानी कि बराबर क्या है उनका विकास हुआ है, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों के विचार अलग अलग है लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि नेचुरल लॉ थ्योरी के प्रतिक्रिया स्वरूप भी उत्पन्न हुए हैं। हिस्टोरिकल स्कूल का हम विश्लेषण करें तो ऐतिहासिक विचारधारा किन बातों पर जोर देती है विधि के बारे में, तो सबसे पहले बात करके कानून के विकास का अध्ययन है। जो पढ़ेंगे इसकी थ्योरी तो इसमें क्या बता रहा है कि कानून का विकास कैसे होगा, उसका अध्ययन कैसे किया जाए, विधि कैसे विकसित होगी, कैसे बढ़ेगी। सेकेंड बात है कि रूढ़ियों और प्रथाओं पर जोर देती है। हिस्टोरिकल है तो अपने नाम से ये समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री यानी कि पहले की प्रथाओं, पहले की रूढ़ियों पर ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, ना कि वर्तमान में क्या चल रहा है, यानी कि रूढ़ी क्या कहती है, रूढ़ी को क्या बनाओ, लॉ बनाओ, कस्टम क्या कहती है उसको ही लॉ बनाओ, इस पर ये आधारित है। थर्ड कहती है रहस्य तर्क के आधार पर जो विधि शास्त्र है उनको विधि तंत्र को इतना सफल किया है। यूरोप में क्या था पहले के जो कोडिफाइड लॉ था, जो विधि तंत्र स्थापित किया था बिना किसी भी आधार के, तो वो क्या हो गया, खोखला नजर आने लगा, और इसके कारण क्या माना जाने लगा कि ऐतिहासिक जो विचारधारा है उसका प्रादुर्भाव होना चाहिए। इससे पहले यदि हम बात करें तो जो सेवनी जो लिखा है मैंने सेवनी और सर हेनरी में, तो सेवनी का जो नाम है वो ऐतिहासिक विचारधारा में बहुत ही अग्रणी, ये माना जाए कि ऐतिहासिक विचारधारा में उनका बहुत योगदान है। क्या इनके कारण से ये जो स्कूल से ये पद्धति है अपनाई तो क्या नातिशोक्ति नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेवनी ने जो अपने विचारधारा प्रतिपादित किया उससे पहले नाम आता है एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग ने अपन मानते हैं सेवनी ने जो विचारधारा दी उससे पहले एडमंड बर्ग ने क्या किया था, ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में अपने राजनीतिक और सामाजिक जो फैक्ट है उन पर अपने विचार प्रदर्शित किए थे। इनके अनुसार यह था कि विधि हमेशा क्या रहती है, राष्ट्र के साथ विकसित होती रहती है। जैसे जैसे राष्ट्र विकसित होगा वैसे वैसे विधि विकसित होती रहेगी। यदि राष्ट्र का अंत हो जाएगा तो विधि का भी अंत हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा, ये विचार थे एडमंड बर्ग के। उसके बाद आती है कि जर्मन के जो सिद्धांत हैं मूल सिद्धांत हैं उनको क्या कर दिया गया था, नकार दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर लोगों को क्या कर दिया गया, एम्फिसाइज कर दिया गया था। लेकिन ऐतिहासिक वाले ये मानते हैं कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है। लॉ जैसे हम एनालिटिकल की बात करते हैं तो उसमें क्या करें कि विधि संप्रभु बनाता है और संप्रभु बाध्य हर चीज़ से,
लेकिन ये क्या कहते हैं कि विधि कोई भी बनाने वाला नहीं है। विधि तो क्या है, पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है। लॉ इज फाउंड नॉट टू मेड। विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, क्योंकि किसे विचार दे रहा है, रुपये प्रभाव पर दे रहा है, कानून के विकास की ओर दे रहा है। यदि हम बात करें एडवर्ड वर्ब के साथ में हुए मॉन्टेस्क्यू और एक है गुरु, यदि मैं इनकी बात करूँ तो इन तीनों का सार ये निकलता है कि विधि जैविक जैसे किसी जीव का विकास होता रहता है स्वतः अपना आप ही, वैसे विधि का विकास होता रहता है। क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, किसी भी विधि अच्छी या बुरी नहीं होती है, विधि तो विधि होती है। एडमंड बर्क क्या कह रहे हैं, जीव का विकास होता है वैसे वैसे विधि का विकास होता रहता है। और हूगो कहते हैं कि विचार और आचार के अनुसार समय के अनुसार विधि अपना आचरण स्वयं ग्रहण करती रहती है। तो सभी ने अपने ऐतिहासिक विचारधारा में अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। तीनों जो नाम किए हैं मॉन्टेस्क्यू, एडमंड बर्क और हूगो, इन दोनों को मान सकता है कि इन्होंने ऐतिहासिक विचारधारा की जो पद्धति प्रादुर्भाव था इसका विकास इन दोनों का बहुत ही योगदान रहता है। अब बात आती है कि नैतिकता की बात आती है। यदि हमने एनालिटिकल स्कूल में भी ये पढ़ा था कि मॉरलिटी को नहीं मानता है, तो ऐतिहासिक स्कूल वाले भी मॉरलिटी को नहीं मानते। इन्होंने नैतिकता मूलक और जो आधारभूत सिद्धांतों को न हटाकर उनका एक आदर्शात्मक विधि होनी चाहिए। शास्ति किसको माना, जो सोशल प्रेशर है उसको शास्ति माना। जैसे हम उसमें क्या बात करते थे, एनालिटिकल स्कूल में क्या बताते थे कि क्या है, सेंसर होती है, इसीलिए क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार की विधि का विकास होता है, उसका डर रहता है, भय रहता है। एनालिटिकल स्कूल वाले क्या कहते हैं, जो सोशल प्रेशर है वही क्या है, अमुख शास्ति है। कोई भी जो आदर्श सिद्धार्थ उनका पालन क्यों किया जाता है, क्योंकि समाज का दबाव है, समाज का प्रेशर है, इसी के कारण से उसका पालन किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। तो कुमला के ऐतिहासिक विचारधारा का प्रादुर्भाव धीरे धीरे होता रहा, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत तर्कवाद, जो रैशनलिज्म था, जो मैंने आपको लिखा था कि तर्कवाद के आधार पर जो विधि थी वह क्या होने लगी थी, अब परेशानी होने लगी थी। लोगों में चेतना जागृत हो गई, राष्ट्र चेतना के भाव जागृत होने लगे, श्रमिकों को अपने अधिकार याद आने लगे। तो इन सब चीज़ों को समावेश करते गए विधि का आकलन किस प्रकार किया जाए, तो ऐतिहासिक विचारधारा का सहारा लिया गया था और ऐसे ऐसे यह इसका प्रादुर्भाव होता गया। तो यह इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चरल स्कूल के बारे में, इसका विकास क्यों हुआ, किस प्रकार इन्होंने इस विधि को आगे बढ़ाया, कि विधि का क्या लोगों मानते हैं, कि विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती, सेमरी और सर हेनरी मैन इन्होंने क्या प्रिंसिपल प्रतिपादित किए हैं, क्यों इनको अग्रणी माना जाता है ऐतिहासिक विचारधारा में। अगली क्लास में बात करेंगे सेवनी के बारे में, कि सेवनी का परिचय क्या है और उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तब तक के लिए धन्यवाद।